चलिए, आज की क्लास में हमने भूकंप पढ़ना है। इससे पहले आप लोगों को मैंने कल पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई थी, उसमें डिसकंटिन्यूटी कंसेप्ट बताया था आप लोगों को। उससे पहले हम जो टाइम या फिर जो डेड जोन होता है उस पर डिस्कशन कर चुके हैं, तो देख लीजिएगा पिछला अगर आपने नहीं देखा है तो। भूकंप की जब बात करें तो भूकंप मापनी दो प्रकार की होती है। एक होती है रिक्टर स्केल, रिक्टर बोलते हैं इसको हम, ठीक है, रिएक्टर नहीं बोलिएगा। एक होती है मरकेली, और इनके जो नाम हैं जिन्होंने ये स्केल दिए हैं उनके नाम पर ही ये नाम रखे गए हैं। देखिए, रिक्टर स्केल जो है वो चार्ल्स रिक्टर द्वारा दिया गया है, और मरकेली स्केल जो है वो जी मरकेली द्वारा दिया गया है। रिक्टर स्केल में जो पैमाना होता है वो 0 से 10 तक होता है, मरकेली में क्या होता है 1 से 12 तक होता है। रिक्टर स्केल मुक्त अंत वाला और मरकेली स्केल के आपका बंद अंत वाला माना जाता है। जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम फोकस पॉइंट कहते हैं, ठीक है, मतलब जहां से उत्पन्न होता है। ये देखो, ये फिगर देख रहे होंगे आप लोग, तो इसमें ये पॉइंट है, ये वाला, ये ठीक है, जहां पर माना कि ये भूकंप डेवलप हुआ। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो मेंटल होता है, मेंटल से ही ऐसा भूवैज्ञानिक मानते हैं, ठीक है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भूवैज्ञानिकों का कहना है कि जो मेंटल जो होता है ना, ऐसा देखा गया है। अब उन्होंने देखा तो नहीं जा करके कि मेंटल से ही डेवलप होता है, बट इस आधार पर कि जब बाहर तत्व निकलते हैं बहुत सारे, है ना, तो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं तो, और कई सारे ठोस पदार्थ होते हैं, तो ये सारे पदार्थ जो है मेंटल में पाए जाते हैं, अभी बताया था आपको मैंने लास्ट क्लास में। इस वजह से मानना माना जाता है कि फोकस जो पॉइंट होता है वो मेंटल से निकलता है। अब देखो ना क्या होगा कि जब यहां से ये भूकंप निकलेगा तो सीधे अगर कि ये क्या करेगा, सतह पर टकराएगा, तो सतह के जिस बिंदु पर ये टकराता है उस बिंदु को बोलते हैं एपिसेंटर। याद रखना है, पृथ्वी के अंदर से भूकंप डेवलप होता है यानी कि जनरेट होता है या ओरिजिनेट होता है, तो पृथ्वी के अंदर का वो पॉइंट जहां से भूकंप बन रहा है उसे फोकस कहते हैं, और सतह पर जहां पर ये हिट करता है, मारता है, उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। इसको आप एक एग्जाम्पल से ले सकते हो। क्या करेंगे आप घर पे, अपने हाथ में, अब क्योंकि ज्यादा तो हमारे पास कुछ होता नहीं, अपने हाथ में अगर ये आप बड़ा सा एक जो लेटर पैड होता है उसको रखिए, या जो गत्ता होता है उसको रखिए, और नीचे से क्या करिए ना, एक बॉल से तेजी से मारिए, बाउंस बैक कराइए बॉल को। तो जब बॉल आपके उस गत्ते के जिस भाग पे लगेगी ना, बीच में, वो भाग आपका क्या हो जाएगा, एपिसेंटर हो जाएगा, ठीक है। और आप ये नोटिस करेंगे कि लगी तो बीच में है लेकिन जो जो वाइब्रेशन हुआ है वो आपके पूरे गत्ते में हुआ है ना। इसी तरह से ये जहां पर हिट करती है उसके बहुत दूर तक क्या होता है, ये वाइब्रेट करता है, और एपिसेंटर वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर तो बहुत ज्यादा विध्वंस होता है, लेकिन उसके जितना दूर जाएगा उतना जो इसकी जो मारक क्षमता होती है वो कम हो जाए, मारक क्षमता तो नहीं कहना चाहिए हमको, जो इसकी नुकसान करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, समझ रहे ना आप इस चीज को। जैसे आप इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप कभी पानी में पत्थर मारिए, तो जिस जगह पर आप पत्थर मारते हैं ना वहां पर तो बहुत तेज लहर बनती है, उससे दूर जाते जाते हुए लहरें बिल्कुल गायब सी हो जाती हैं, बनती है ना वेव्स, जो आप लोगों की आपने देखा होगा, ये पत्थर मारा आपने, अभी वेव्स बनेंगे सर के, तो धीरे धीरे होगी वेव्स की, गायब हो जाएंगी जितना दूर जाएंगे, तो आप तो इस तरीके से चलता है, ठीक है। एक भूकंप के केंद्र का एक ही एपिसेंटर होता है तो आप जानते हैं, अगर नीचे से एक ही भूकंप निकला है तो वही बात है ना कि बॉल मारी है, आपने एग्जांपल दिया ना, कोई बॉल अगर बाउंस बैक करते हैं तो एक बार में बॉल जो है वो गत्ते के एक ही पार्ट में लगेगी, एक साथ 25-30 पार्ट में नहीं लग जाएगी वो। भूकंप दो शब्दों से मिलकर के बना है, भू और कंप, भू मतलब होता है भूमि, कंप मतलब होता है कांपना। जब भूमि कांपती है, भूमि में कंपन होता है तो उसको हम भूकंप कह देते हैं, और इसको मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप मापने का एक यंत्र है, और भूकंप से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफी बोल देते हैं, ठीक है। फोकस पॉइंट बता चुका हूं आप लोगों को, अब यहाँ पर इससे बस इसको नोट करके आप लोग नोट्स बना सकते हो, और कुछ नहीं है ना, पॉज करिए, नोट्स कर बना लीजिए, ठीक। तो ठीक लंबवत धरातल का वह क्षेत्र, वहीं पर सबसे पहले भूकंप कहते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। एपिसेंटर बता दिया आप लोगों को मैंने, अधिकेंद्र हिंदी में बोलते हैं इसको हम, है ना, फोकस पॉइंट को भूकंप मूल कहा जाता है हिंदी में। अच्छा, अब कुछ विशेष दो तीन नाम है, इनको आप याद रखिएगा। पहला है आपका आइसो सिस्मल लाइन,
दूसरा है होमोसिस्मल लाइन, ठीक। आइसोसिस्मल क्या होती है, होमोसिस्मल क्या होती है, समान भूकंप तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। एग्जाम्पल के लिए भूकंप तीव्रता यहां पर भी उतनी ही है जितनी यहां पर है, ठीक है। माना कि 6 रिक्टर स्केल में 6 मापी गई है इनकी भूकंप तीव्रता। अब यहां पर सेम भूकंप तीव्रता है, तो जो इनकी रेखाएं होंगी ना, जो वाइब्रेशंस होंगी, जहां पर ये मिलेंगी, है ना, तो जहां पर ये वाइब्रेशन मिलेंगी वहां पर जो लाइन बनेगी उसको हम बोलेंगे सम भूकंप रेखा। याद रखेंगे आप लोग, भूकंप के केंद्र अलग अलग हैं, फोकस पॉइंट अलग अलग हैं, एपिसेंटर भी अलग अलग हैं, लेकिन इन एपिसेंटर से जो वाइब्रेशन जनरेट हो रही हैं दोनों से अलग अलग, ठीक है। तो जहां पर ये लास्ट इनकी वाइब्रेशन मिल रही है वहां एक रेखा बनाई जाएगी, काल्पनिक रेखा होगी ये, हाँ, इसको बोलते हैं सम भूकंप रेखा। इसका भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप क्या करिए, पानी में, ठीक है, बड़े से तालाब में जाइए, या फिर क्या बोलते हैं, एक टब तो नहीं हो पाएगा, आपको बड़ा क्षेत्र चाहिए, अपने दोनों हाथों से एक ही समय में तेजी से पत्थर फेंकिए नीचे। तो क्या होगा कि पत्थर फेंकने पर, ये बढ़िया एग्जाम्पल है समझने के लिए, बढ़िया प्रैक्टिकल है, पत्थर फेंकने पर क्या होगा, दोनों की वाइब्रेशन एक साथ बनना शुरू होंगी, तो जहां पर वाइब्रेशन मिलेंगी वहां पर कैसा हो रहा है वो देख लीजिए, वही आपका क्या होता है, सिस्मो सॉरी आइसोसिस्मल लाइन कहलाती है, यानी कि भूकंप सम भूकंप रेखा उसको कहते हैं। स्पेशल मेंशन कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा इसको आप, एक समय पर पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, कहलाती है होमोसिस्मल लाइन। सम भूकंप रेखा क्या होती है, बता दिया आप लोगों को मैंने कि दो अलग अलग एपिसेंटर हैं, उनसे निकलने वाली जो रेखा है वो वाइब्रेशन से जहां पर मिलती है उसको हम सम भूकंप रेखा कहते हैं। तो दूसरा होता है होमोसिस्मल सह भूकंप रेखा, तो जब भूकंप की तीनों तरंगे किसी एक स्थान पर मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, सह भूकंप रेखा। याद रखना है, तीन तरंगे होती हैं भूकंप से निकलने वाली, ठीक है, पी एल और एस, क्या क्या होती हैं ये बताऊंगा अभी आप लोगों को आगे। एक समय पर पहुंचने वाली रेखा भूकंप रेखा, सह भूकंप रेखा, तीन तरंगे जो हैं पी एस एल एक साथ एक स्थान पर जब मिलती हैं, भूकंप के कारण क्या होते हैं, देखो ज्वालामुखी विस्फोट होने से भूकंप आते हैं, इंपॉर्टेंट है, कारण याद कर लीजिएगा आप लोग, वैसे भी भूकंप हो और ज्वालामुखी हो ये दोनों ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उससे भूकंप निकलता है, कैसे निकलता है ध्यान दें आप भाई, जैसे आप ये समझो कि कुकर में आपने कुछ चढ़ाया हुआ है, या कुकर छोड़ो, आपने कढ़ाई में या फिर आपने अपने डेग में कुछ चढ़ाया हुआ है और पानी उबाल रखा हुआ है, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, अब पानी उबालने रखा ऊपर ढक्कन लगा दिया है, तो जब पानी खौलता है ना, अभी आप इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए जो मैं कह रहा हूँ, आप सब किचन में काम करते रहते हैं, तो पानी जब खौलता है तो क्या होता है, ऊपर का जो ढक्कन है वो फट 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 आवाज आती है ना, उससे वाइब्रेट करता नहीं करता है, बताइए, जो ऊपर जो ढक्कन रखा हुआ है करता, हाँ, तो वही भूकंप है, अगर आप उसके ऊपर हाथ रखोगे तो आपको वाइब्रेशन दिखाई देंगे, यही होता है ना। तो इसी तरह से जब ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला होता है लेकिन हो नहीं पाता है किन्हीं कारणों से, तो प्रेशर तो पूरा लग रहा है तो पूरा ज्वालामुखी हिल जाएगा आपका, उसे बोलते हम क्या, उस कारण से भी भूकंप होता है। पृथ्वी के सिकुड़ने के कारण भी भूकंप आता है। अब ये क्यों आता है भाई, जब पृथ्वी सिकुड़ेगी तो सिकुड़ने से क्या होगा कि जो पृथ्वी की सतह होंगी आपस में मिलेंगी, मिलने से क्या होगा, टकराव होगी, और उससे क्या होगा, थोड़ा सा वाइब्रेशन पैदा होंगी, ठीक है। वलन एवं भ्रंश, मतलब कि जो तनाव है, अब ये दो तरह का होता है, ध्यान देना है आपने, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी गति क्या होती है याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे। अभिसारी गति क्या होती है, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं हम अभिसारी गति कहते हैं। क्या होगा, देखो यहां से एक प्लेट आई, राइट, यहां से एक प्लेट आई, अभी आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, जैसे ये टकराएंगी आपस में तो क्या होगा, ऊपर उठ जाएंगी। आप करके देखिए, अपने दोनों हाथों को सीधा लेकर के आइए, ठीक है, ऐसे लेके आइए हाथ को, एक हाथ आपका ऐसे आएगा एक हाथ ऐसे आएगा, लेके आइए और तेज टकराइए, करिए कोशिश कीजिए, जरा अभी मोबाइल छोड़ करके साइड में, मोबाइल साइड में छोड़िए और कोशिश कीजिए, अपने दोनों हाथों को तेज टकराइए, तो क्या होगा, अचानक से अपने आप ही ऑटोमेटिकली, आप नहीं करेंगे वो, ऑटोमेटिकली वो फोर्स की वजह से क्या होगा, आपकी जो उंगलियां हैं वो ऊपर की ओर मुड़ जाएंगी, होगा नहीं होगा ऐसा, है ना, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी अभिसारी गति, याद रहेगा अभिसारी गति क्या है। दूसरी होती है अपसारी गति, अपसारी गति क्या होती है, देखिए ये इसका विपरीत हो जाएगा, विपरीत क्या हो जाएगा, ये बना हुआ चित्र, ठीक है, विपरीत
विपरीत हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों की दोनों क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब जब दो सतह एक साथ लगी हुई है, ये सतह लगी हुई है दोनों एक साथ, और दोनों दूर जाएंगे तो बीच में क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा, इस वजह से भूकंप आता है। ठीक है, तो अभिसारी के कारण क्या होता है, ये प्लेटें ऊपर की ओर उठती हैं तब भी भूकंप आता है, और अपसारी के कारण जो प्लेटें दूर जाती हैं और बीच में गड्ढा बनता है तो उससे भी क्या होता है, भूकंप आता है। तीसरी होती है समांतर, जब प्लेटें आपस में समांतर रूप से घिसती हैं, आपस में टकराती हैं। अब हाथों को आप मलिए, अपने हाथों को आप क्या करिए, आपस में मलिए, तो इसे बोलेंगे समांतर, ठीक है, गति। तो मलेंगे तो क्या होगा, आपको आपको अपने कोहनी तक वाइब्रेशंस दिखाई देंगे, मतलब कि फील होंगे, ठीक है, करके देख सकते हैं आप लोग। तो ये तीन कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, प्लेटों की गति के कारण जिससे भूकंप आता है। तो दो गतियां होती हैं, अभिसारी, अभी मतलब ऊपर की ओर, अप मतलब नीचे की ओर, ठीक है, उल्टा कर लीजिएगा इसको आप। और समांतर में क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंदर ही आता है। देखिए समांतर गति के कारण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है, ध्यान देना है आपको। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में समांतर गति की बात करते हैं हम, ओके। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में समांतर गति के कारण भूकंप आने की बात की जा रही है, तो याद रखें इसको आप, भूले ना। समांतर गति के कारण प्लेटों में रगड़ लगती है और कंपन होता है। प्लेटों के बीच में कम से कम और किनारे पर अधिक भूकंप, इसलिए प्रशांत महासागर के पास सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होता है। तो ये तो यही बात आपकी समांतर गति के कारण आने वाले भूकंप की। और ये जो भूकंप है ये कहाँ आता है, आपका प्रशांत महासागर पर अधिक से अधिक ये आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, रिंग ऑफ फायर कहाँ बनते हैं, अग्निवलय कहाँ बनते हैं, तो ये बनते हैं प्रशांत महासागर में। क्यों बनते हैं अग्निवलय, अग्निवलय बनने का कारण क्या है, रिंग ऑफ फायर बनने का कारण क्या है, तो वो ये कि समांतर गति जो होती है प्लेटों की, उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस होती है, जो भूकंप आता है, वो क्या होता है आपका, अग्निवलय बनाता है, ठीक है। तो यही ज्वालामुखी भूकंप आने का कारण है। भू संतुलन, यदि सियाल वाली परत सीमा वाली परत पर तैरती है तो वह अपना संतुलन स्वयं बनाती है, ठीक है। तो जब क्या होता है कि आप, वही बात है कि भाई आपको जब बैलेंस बनाना होगा तो उसमें भी क्या होता है आपका, थोड़ा सा वाइब्रेशन डेवलप होती है, उससे भूकंप आता है। तो ये भू संतुलन द्वारा माना जाता है, क्योंकि सीमा जो है वो थोड़ा भारी है, सियाल हल्का है, ऐसा कुछ। फिलहाल आप लोगों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट में ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये कहाँ गए आपके, हाँ, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, और इसके साथ साथ वलय वलन एवं भ्रंश, संपीड़न भी बोलते हैं वलन को, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। जलीय भार दबाव के कारण जो भूकंप आता है, क्या होता है इसमें, देखो कोयला बांध में अत्यधिक जल दबाव से सतारा में, ठीक है, सतारा में कोयला बांध की वजह से अत्यधिक जल दबाव उत्पन्न हुआ और उससे 1968 में एक भूकंप पैदा हुआ था। ऐसे ही एक जाम्बिया में एक बांध है, करीबा बांध, वहां पर भी ऐसा हुआ है। रूस में नूरे एक बांध, वहां पे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बांध वगैरह याद ना करें, बस इतना याद रखें कि जल दबाव के कारण भी क्या होता है आपका, भूकंप आ सकता है। मानवीय क्रिया, परमाणु परीक्षण कर रहे हैं आप, अब परमाणु परीक्षण छोड़ीजिए, छोड़ दो, अभी तो बहुत दूर की बात है। आप अपने दीपावली में आप देखा होगा कि वो बुलेट बम आते हैं, बड़े भयंकर आवाज करने वाले, खिड़की के पास रख के बजा दो उसको, है ना। तो आप जिस खिड़की के पास रखोगे उसकी दीवार पूरी आपकी क्या होगी, हिल सपी आएगी, आपकी जमीन तक हिल जाएगी उससे। ऐसा तो फीलिंग आपने किया ही होगा दिवाली के टाइम पे अपने घर में। अब आते हैं हम भूकंप के प्रकारों पर। तो अभी तक बताया भूकंप के कारण, देख लीजिएगा, मानवीय क्रिया है, जलीय भार है ना, भू संतुलन है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है आपका, वलन एवं भ्रंश है, पृथ्वी का सिकुड़ना है, और ज्वालामुखी विस्फोट। ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से भूकंप आता है। अब बात करेंगे भूकंप के प्रकारों की। तीन प्रकार इसके बताए गए हैं सामान्य तरह से। एक होता है कि आपका सामान्य भूकंप, जिसका फोकस पॉइंट जो है वो 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। दूसरा होता है मध्यम भूकंप, जिसका फोकस पॉइंट 50 से 250 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। तीसरा होता है पातालीय, जो कि 250 से 700 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। तो याद रखना है, जो जितना अंदर वो उतना भयानक, ठीक। तो पाताली जो सबसे अंदर है, सामान्य सबसे ऊपर है, और मध्यम बीच में। तीन तरह के ये भूकंप होते हैं, किसके अनुसार, रिक्टर के अनुसार, ठीक है। भूकंप मूल से निकलने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं, प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं,
याद रखना है इसको। भूकंप मूल से निकलने वाली ऊर्जा को हम इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है। अब गति के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, या बोले उसको एल वेव, तीन वेव्स होती हैं। पहली जो है उसको पी वेव बोलते हैं, प्राथमिक, पी फॉर प्राथमिक है ना, या प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी, ठीक है, या द्वितीयक। तो जो पी वेव्स होती हैं उनको अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, और जो एस वेव्स होती हैं उनको हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको आपने कि प्राथमिक तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है, जबकि द्वितीयक तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है, और जो एल वेव्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, धरातलीय तरंगे कहते हैं। अब इनमें कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं और इनका एक कंपैरेटिव चार्ट है, इसको देखिएगा। देखिए, पी मतलब प्राइमरी है, प्राइमरी वेव सबसे पहले पहुंचती हैं कहीं पर भी। दूसरा, इनका वेग सबसे अधिक होता है, वेग मतलब इनकी वेलोसिटी जो है। आंतरिक भागों पर ये गमन कर सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस, कैसी भी स्थिति हो सब में चलती हैं ये, और इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ध्वनि की तरंगों के समान ये होती हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि ध्वनि की तरंगों के समान कौन सी तरंग होती है, एस, पी या एल। तो याद रखना है ध्वनि की तरंग के बराबर कौन है, पी वेव। दूसरे नंबर पर आती हैं आपकी सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स, जिनकी जो गति होती है, जो वेग है, वो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और यह आंतरिक भागों पर ज्यादा चलती है। किंतु एक चीज ध्यान देनी है, ये केवल ठोस पर चलती है, ये द्रव पर नहीं चल पाती, और ये प्रकाश की तरंगों के समान होती हैं, इसलिए इनको अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। ठीक है, बस एक कंपैरिजन आपको याद करना है और कुछ नहीं है। ये पूछा जाता है एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसे आप बिल्कुल अच्छे से पढ़े, याद करें, रट लें, चाहे जो करें आप। बस सिंपल सी बातें हैं, कुछ चीजें याद रखनी है कि पी तरंगों की विशेषता क्या है, एस तरंग की विशेषता क्या है, एल। अच्छा, जो एल वेव्स हैं उनका नाम एल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एडवर्ड लव के नाम पर इसको एल लव, एल वेव कहा जाता है। ठीक, ये धरातलीय तरंगें होती हैं और ये केवल धरातल पर ही चला करती है। धरातल मतलब कि सरफेस जो होता है हमारा, ठीक है, और इनकी जो गति है वो आपकी लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, एक भूकंप के केंद्र का एक ही एपिसेंटर होता है, बता चुका हूँ आपको पहले में, सम भूकंप रेखा भी बता दिया आप लोगों को मैंने, कुछ नया नहीं है इसमें। अब ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप सभी लोगों को ये डॉक्यूमेंट मिल चुका है, तो आई होप कि आप लोग ये कर लेंगे। ठीक है, तो भूकंप पर तो इतना ही है, फिर अब ज्वालामुखी पढ़ लेते हैं हम लोग। यह वह स्थान जहां से निकलकर गैसें, राख, लावा, तरल आदि पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, उसको ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी में बहुत ज्यादा नहीं है डिटेल में, छोटी छोटी बातें हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो लावा है, मैग्मा है, राख है, जलवाष्प है। देखो बच्चे ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं, ये जलवाष्प को काउंट ही नहीं करते हैं कि ज्वालामुखी से निकलता है करके, तो याद रखना ये भी होती है। हाँ ठीक, धातु, अधातु, कंकड़, पत्थर सब निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है, H2O जलवाष्प है, जल की जो केमिकल फॉर्मूला होगा वही इसका भी हो जाएगा। अन्य गैसें कौन सी हैं, CO2 है, N2 है, SO2 है, H2S है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कुछ गैसें हैं जो यहाँ से निकलती हैं, ये भी याद रखनी है, पदार्थ के साथ साथ गैसें भी याद रखें आप। ठीक, ज्वालामुखी के मुख से निकलने वाले तरल पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं, और देखो ये सब कुछ पता होता है आप लोगों को, मैं इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में समझा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, खाली टाइम वेस्ट करना होता है। ठंडा होने के बाद यह लावा आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। अब जब हम चट्टानों के प्रकार पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा आपका ये एक प्रकार, आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो यहीं से याद कर लो इसको, आप इजी पड़ेगा आपको कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी के ठंडा होने पर, है ना, जो सॉरी ज्वालामुखी से निकले हुए लावा के ठंडा होने पर जो चट्टाने बनती है उनको आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, और जो लावा होता है उसका तापमान कितना होता है, 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है, अम्लीय और क्षारीय, राइट। क्षारीय लावा, इससे बनने वाली चट्टान के दो प्रकार होते हैं, प्लूटोनिक, ये सब आपका चट्टानों के वाले फॉर्मूला उसमें आएगा। ठीक है,
कंसेप्ट में। प्लूटोनिक जिसको पाताली चट्टानी कहते हैं, और अधिवलितीय सॉरी अधिवितलीय अथवा मध्यवर्ती चट्टानी। ठीक है, ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी होता है, जागृत जिसको बोलते हैं जो हमेशा क्या फटते रहता है, या दूसरा है प्रसुप्त होता है, ठीक है, जो पहले फटा हुआ लेकिन बहुत लंबे समय तक कोई विस्फोट उसमें हुआ ही नहीं है, और मृत होता है जो कि एक बार फट चुका है ना, जिसमें विस्फोट हो चुका है अब नहीं होगा कभी। तो इस प्रकार से तीन प्रकार होते हैं इसके, क्या होते हैं, सक्रिय जिसको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, प्रसुप्त जिसको हम डोरमेंट बोलते हैं, और मृत जिसको हम डेड वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रमुख ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर हैं। तो वर्तमान में किलायू, ये नाम याद रखने हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर ये हैं। तो किलायू जो है वो हवाई द्वीप पर है अमेरिका के, और माउंट एटना, पिटनडीला, फॉरनेस, न्यामुरा गिरा। ठीक है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा और सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो मोनालोवा है, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, मैं समझा कुछ नहीं रहा आपको। माउंट एटना कहाँ पर है, तो ज्वालामुखी इटली के सिसली द्वीप पर स्थित है, और ये यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। स्टाम्बोली, ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर है अवस्थित है। ठीक है, अच्छा अभी जब आपको वर्ल्ड मैप दिखाऊंगा तो वहां पर बता दूंगा मैं ये चीजें कहाँ कहाँ पर हैं, फिलहाल तो वर्ल्ड मैप अभी मैं नहीं शो कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, स्ट्रांबोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, ये कुछ विशेष नाम याद रख लीजिएगा, है ना, स्ट्रांबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। कहाँ पर है, लिपारी द्वीप पर है। विश्व सबसे ऊंचा कौन सा ज्वालामुखी है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, है इसको मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा आप लोग, ठीक है ना, ये सब आप पढ़िए इसको, फिर इसको मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, वो मैप के थ्रू डिस्कस कर लूंगा, पूरा वर्ल्ड मैप के थ्रू ना, वहीं पे डिस्कस कर लेंगे इसको। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और किस देश में है, ये आपको सिर्फ याद करना है, तो बहुत सारे हैं, ये सब रटने नहीं है, आप बस ऐसी कोशिश कीजिए पढ़ने का, उसको दो तीन चार पांच बार पढ़ोगे तो अपने आप ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट पूरा हो गया हमारा आज, अब कल से हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर, अब कोई प्रश्न अगर आपका होगा तो पूछिएगा आप लोग कल की क्लास में, फिलहाल आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है इसको पढ़िए आप अच्छे से, कुछ चीजें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दी हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने वाले ही नहीं तो डिस्कस नहीं किया, तो आप पूछ लीजिएगा जहां पर भी कोई डाउट होता है।